دل سے ہار، پراست جیتنے کی کوئی امید نہیں، اتنی سی بھی آشا نہیں، گودام میں اناج نہیں، فوج کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تو جانوروں کو کیا کھلاؤں گا؟ ایک کے بعد ایک جانور جان چھڑک رہے، کل کل نشان کا ہاتھی مر گیا، کتنا بڑا اپشکن! کیا یہی ہے ہماری قسمت؟ اس بازیراؤ کے پکش میں ہر وقت جیت اور ہمارے پکش میں صرف ہار۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بڑی بے انصافی کی ہے، پھر سے ہار۔ کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ ضرور، اب اور کیا منحوس خبر لائے ہو گیاس؟ ضرور، پوٹاتلے آپلے فوجے مدلے راجپوت آنی گندیلے ہار بیدیل جھلے، پوٹاتلے کاہی لوگ باہر پڑھنے چا تیاری، आणि काही लोक बाहेर पडून बाजीरावाला सुद्धा मिळतील हुजूर। खायला अन्नाचा कण नाहीये हुजूर, जनावर फाडून खाण्याची वेळ आली, आणि पाण्याचे नाले ते तर बाजीरावाच्या ताब्यात। नाही 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 खियास, फिर से हा निजाम उल मुल्क फिर से परास्त। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हमारा नसीब है कि हर वक्त हम बाजीराव के हाथों ही परास्त हुए? कुछ तो बताओ गियास, कुछ तो बताओ, क्या किया जाए? हम क्या बताएं हुजूर? अरे कोई तो बताएगा कुछ। एक रास्ता है हुजूर। बताओ, बताओ। एक ही रास्ता है। बताओ गियास, क्या है? बाजीरावाशी तह करायचा, त्याला शरण जायचं। हाँ, और उसने नहीं माना तो? लड़ने इतकी आपल्या जवळ ताकतच नाही आहे हुजूर। मतलब कि हम कैदी बन जाए हुजूर? असं आम्ही नाही म्हणालो हुजूर। तो और क्या, आपके कहने का और क्या मतलब हो सकता है गियास? हुजूर, हम यहां मौजूद हैं अयामल जयपुर के जय सिंह महाराज के वकील। फिक्र की कोई बात नहीं हुजूर, हम आपकी मदद के लिए ही आए हैं। पहले भी बाजीराव की तरफ से बाबूराव मल्हार आए थे, लेकिन हमने उन्हें वापस भेज दिया यह कहकर कि आप पिलाजी जाधव को हमारे सामने भेजे। इसे पिलाजी भी आके गए हुजूर। पिलाजी हमारे साथ हैं। पिलाजी, यह है पिलाजी जाधव। बाजी, और यह है बाजी भीमराव, और मैं खुद पंडित प्रधान पेशवा बाजीराव की तरफ से सुलह करने के लिए यहां आया हूं। आसमान गिर गया। चिंता की कोई बात नहीं हुजूर, राहु स्वामी दिल के बड़े अमीर आदमी हैं। उन्होंने हमें फरमाया है कि आपकी कोई बेइज्जती ना हो, आपका पूरा सम्मान रखा जाएगा। हुजूर, सिर्फ एक विनती है, सुलह करने के लिए आप अभी अनुमति दीजिए। किसी कुशल या मातबर आदमी को मराठों की छावनी में भेज दीजिए। अगर आपने ये न माना तो हमारे जाने के बाद मराठों की फौज पूरी तरह टूट पड़ेगी। ठीक है, अब और कोई चारा भी तो नहीं बचा है, हमें मंजूर है। हमारी तरफ से सुलह के लिए हम किसी मातबर आदमी को भेजेंगे, लेकिन एक बात
बाजीराव के सामने हम खुद नहीं आएंगे। आपके आने की जरूरत ही नहीं है हुजूर। मतलब सारी की सारी बातें मराठों की छावनी में ही होगी। या अल्लाह।